एकनाथ शिंदे का अचानक अयोध्या में रामलला के दर्शन का कार्यक्रम कैसे बना? अपनी पूरी कैबिनेट के साथ पहली बार अयोध्या गए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि वे खुद को बाला साहेब ठाकरे का असल उत्तराधिकारी मानते हैं और उनका सपना वही पूरा करेंगे। इस बातचीत में शिंदे ने यह भी साफ किया कि शिवसेना के दोनों गुटों के एक होने की फिलहाल कोई संभावना नहीं है। हम हिंदुत्व की विचारधारा पर चल रहे हैं, हमारी विचारधारा उनसे बिल्कुल अलग है। शिंदे ने एनबीटी के मनीष श्रीवास्तव से कई मुद्दों पर बात की। अचानक अयोध्या में रामलला के दर्शन का कार्यक्रम कैसे बना? मैं पहले भी कई बार अयोध्या आया हूं, लेकिन हमें धनुषबाण चुनाव चिन्ह मिलने और सीएम बनने के बाद पहली बार आया हूं। बाला साहिब का सपना पूरा होता दिख रहा है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के हिडनबर्ग रिपोर्ट को लेकर दिए बयान के क्या मायने हैं? शरद पवार जी ने कुछ कहा है तो सोच समझकर ही कहा होगा। मेरा मानना है कि उद्योग लगना चाहिए। हिडनबर्ग जैसी एजेंसी कोई सवाल उठाती है तो इसकी जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अडानी मामले की पूरी जांच कर रही है, लेकिन अकेली रिपोर्ट के आधार पर किसी एक को टारगेट किया जाए ये तो सही नहीं है। क्या शरद पवार से गठबंधन की कोई संभावना है? उनके बयान से कुछ ऐसा नहीं जोड़ा जाना चाहिए। क्या ऐसी कोई संभावना है कि शिवसेना के दोनों गुट फिर एक हो जाएं? ऐसी कोई संभावना नहीं है। हम हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर आगे बढ़ रहे हैं और उनकी विचारधारा अलग है। 2019 में हिंदुत्व की समान विचारधारा वाली बीजेपी के साथ हमारा नेचुरल अलायंस हुआ था और उन्होंने इसे तोड़कर उनके साथ सरकार बना ली, जो राम मंदिर निर्माण का विरोध कर रहे थे। ये भी कयास है कि विधायकों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट का विपरीत फैसला आता है तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदलाव होगा। कोर्ट जो कुछ कहेगा वो संविधान और लोकतंत्र के दायरे में होगा। हम सुप्रीम कोर्ट के हर आदेश का सम्मान करेंगे। शिवसेना का मूल काडर किसके साथ है? शिवसेना का कार्यकर्ता जानता है कि कौन काम करने वाला है और संकट की घड़ी में कौन साथ खड़ा रहता है। शिवसेना का पूरा काडर हमारे साथ है।